दिल्ली से सबसे पहले बेबी केयर सेंटर आग पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बेबी केयर सेंटर के मालिक नवीन की तलाश तेज कर दी गई है। नवीन की तलाश में पुलिस की छापेमारी की जा रही है। डॉक्टर नवीन के जयपुर में होने की आशंका है, जो बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर के लिए रवाना भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि डॉक्टर नवीन के जयपुर में होने की खबरें सामने आई हैं। अब दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है वो जयपुर रवाना हो रही है ताकि तलाश तेज की जा सके। इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो बेबी केयर सेंटर का मालिक है नवीन, उसकी तलाश तेज कर दी गई है। अब सोचिए जरा, जब मासूम बच्चे अस्पताल के अंदर थे तब अस्पताल में सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा था। ये आग जो इतनी भीषण लगी है, अस्पताल में मासूम बच्चे अंदर थे, जब 12 से ज्यादा केयर सेंटर में बच्चे मौजूद थे, तब पूरी बिल्डिंग धू-धू कर जलती हुई नजर आई, और उसी की जद में एक और रिहायशी बिल्डिंग धू-धू कर जलती हुई नजर आ रही है। कितना भयानक ये हादसा हुआ होगा कि सामने से हम देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग जल रही है और अंदर बच्चे मौजूद थे। आप लोग मान नहीं रहे, ऐसा पीछे हट जाओ भाई, तारों से हट जाओ, निकल लो, वो भाई निकल लो, एक मिनट रुक जाओ, मत जाओ भाई, मत जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो कार स्टार्ट करो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो पीछे, जाओ अभी, और सिलेंडर है वहाँ, पीछे भाई पीछे ले लो, पीछे सिलेंडर है अंदर, सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत, अभी एक और होगा भाई, एक वो लंबे वाला अंदर, मैं देखता हूँ। तो रूह कपा देने वाली ये जो घटना सामने आई है, सोचिए जरा, जब ये सिलेंडर में इतने एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे थे, बच्चे, मासूम बच्चे, नवजात बच्चे अंदर मौजूद थे इस इमारत के, इतना भयानक ये घटना सामने आई है, लापरवाही की ऐसी घटना जो कभी देखी नहीं। बेबी केयर सेंटर में जब माता पिता अपने बच्चों को छोड़ते हैं तो वो निश्चिंत हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि इन आग की लपटों के पीछे कैसे बच्चे मौजूद थे, मासूम बच्चे। और आपको कुछ और तस्वीरें और दिखाने जा रहे हैं, इतनी गंभीर लापरवाही ये सामने आई है, इस हादसे से जुड़ी हुई, इस घटना से जुड़ी हुई। गलत होना था, आप लोग मान नहीं रहे, ऐसा पीछे पीछे जाओ अभी, और सिलेंडर है वहाँ, पीछे भाई पीछे ले लो, पीछे सिलेंडर है अंदर, सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत, अभी एक और होगा भाई, एक हाँ वो लंबे वाला अंदर, मैं देखता हूँ, 5-6 रखे, हट जाओ भाई, तारों से हट जाओ, निकल लो, ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले, बहुत है भाई, हट जाओ पीछे भाई, बाइक ले लो अपनी, भाई साहब निकल लो यहाँ से, अरे रे ओ फरमान भाई, ओ भाई साहब पीछे हो जाओ, अभी और सिलेंडर है, मैं 5-7 है, वो भाई निकल लो, एक मिनट रुक जाओ, मत जाओ भाई, मत जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो कार स्टार्ट करो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी, निकलो जल्दी भाई साहब, निकालो कार अपनी। और अब सोचिए जरा, जिस जगह पर ये बम ब्लास्ट हो रहा था उस वक्त उनके माता पिता, जिन्होंने अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में रखा था, उनका क्या हाल होगा। अब आपको बेबी केयर में एडमिट हुए बच्चों के माता पिता की पीड़ा को दिखाते हैं। इनको भी ये नहीं पता था कि इनके बच्चे जिंदा हैं या मर चुके हैं, जिंदा हैं या अब तक नहीं है, क्या कुछ कहा माता पिता ने, आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ वो फैमिली है जिनको, जिनका बच्चा इस हॉस्पिटल में था, क्या नाम है आपका? भावित। अनीता नाम है, अनीता। क्या बच्चा आपका, क्या बेटा बेटी? क्या बेटी थी मेरी, बेटी थी। कब आप यहाँ लेकर आए थे? मैं 15 तारीख को एडमिट किया था, मेरा बच्चा ना
हेलो पानी पी लीजिए पानी हेलो हेलो देखिए इनका बच्चा यहाँ पर था। हम मैम कल देख के गए थे अपने बच्चे को, हाथ भी लगा के गए ऐसे ऐसे। मेरा बच्चा खूब अच्छा था, खाली फीवर था उसको 105। वहाँ अजीत गुप्ता है, उनने ट्रांसफर किया था इसे एम्बुलेंस से लेके आए थे वहाँ राधा कुंज में। आप वहाँ चलो ना अजीत गुप्ता के पास, हमारा बच्चा दिलवा दो बस। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस। अभी अभी एडमिट है बच्चा आपका? अभी यहाँ एडमिट था, अभी मेरा बच्चा यहाँ पे था। हम लोगों को तो अभी पता लगी है, न्यूज पेपर में रामप्रस्ता में पढ़े हैं सब, तो हमको पता लगी। पता नहीं चला बच्चा कहाँ लेके चला, हम तो अभी पता चली। हम अभी आ रहे हैं, हमारे बच्चे को पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, हमको नहीं पता है। जब पता होता तो हम रात सुबह आ जाते, रात में आ जाते अपने बच्चे के लिए, लेकिन हमको पता ही नहीं था। आपका नाम क्या है? विनीता सरोज। आपका बच्चा यहाँ पर था? हाँ मेरा बच्चा था, परसों लेके आई, हल्का फीवर था उसे। कहाँ से लेकर किसने रेफर किया था यहाँ पर? राधा कुंज में ले गए थे, वहाँ डिलीवरी हुई थी, अच्छा था। परसों बुखार आया हल्का, वो बोले कि यहाँ पे एक दिन रखना, लेके आई कल देख के गए ठीक था। फिर शाम को फोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे को सांस नहीं आ रही थी, वेंटिलेटर पे डाल दिया। कब फोन किया ऐसा? हमने ही फोन किया था पूछने के लिए। कब किया था? 8 बजे फोन किया था, रात 8 बजे कल। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई 9 बजे, 9 बजे मिल के गई हूँ बच्चे से, देख के गई हूँ, तो बोलते हैं कि बच्चा तुम्हारा ठीक है, 10 से 5 दिन लगेगा टाइम, इन्फेक्शन हो गया है ठीक है। कभी कहते बुखार है, कभी कहते कुछ है, कभी कुछ बता नहीं रहे हैं क्या होगा, क्योंकि हल्का फीवर है, इतना बच्चा सीरियस थोड़ी ना हो जाता है। फिर भी चलो हम कहते डॉक्टर पर तो भरोसा करना पड़ेगा। फिर आग के बारे में कैसे पता चला? पेपर में देखा है। अच्छा, तब पता चला आपको? हाँ, तो क्या यहाँ पर आपका बच्चा अभी कहाँ है, क्या स्थिति? नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता, बस पेपर में ये लिखा है कि 6 बच्चों को पुलिस वालों ने खिड़की तोड़ के निकाला है, 11 बजे आग लग गई है, बस यही पता चला है। कहाँ से? अखबार से पता चला? हाँ जी अखबार। यहाँ पर क्या हॉस्पिटल प्रशासन को आपने फोन किया, हॉस्पिटल को फोन किया? लगा रहे सुबह से, रोज उठ के 6 बजे लगाते फोन उठाते हैं, आज वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हम सोचे कि संडे है इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे, हमें क्या पता यहाँ पे आग लग गई। मैं तो 8 बजे देखी हूँ पेपर, तब पता चला है मुझे 7:30 बजे। पुलिस से आपने बात की यहाँ पर, दिल्ली पुलिस से? नहीं बात नहीं हुई है अभी, यह इनसे पूछती हूँ सर से। तो यहाँ पर ये फैमिलीज हैं, इनको यही नहीं पता बच्चे कहाँ है इनके, तो हम यहाँ पर एक एक फैमिली से बात कर रहे हैं जिनके यहाँ पर बच्चे एडमिट थे। तो अभिभावकों की बेबसी समझी जा सकती है, बड़ा हादसा हुआ है बेबी केयर सेंटर। दरअसल ये एक बच्चों का अस्पताल रहा, जिस वक्त आग लगी लपटें उठ रही थी, ठीक उसी वक्त पड़ोस के घरों में भी दहशत मच गई। आग की वजह से पड़ोसी घरों की खिड़कियों के शीशे भी चटक गए और संवाददाता पुनीत शर्मा ने कुछ लोगों से इस बारे में बातचीत की, उस वक्त के हालात को समझने की कोशिश की है पुनीत शर्मा ने, देखिए उनकी रिपोर्ट। दिल्ली के विवेक विहार में न्यू बॉर्न बेबी अस्पताल में जिस तरीके से आग लगी उसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल किया जाता था, 5 से ज्यादा सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने की वजह से आप देखेंगे जो आसपास के घर हैं इन घरों तक भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ, इन घरों के शीशे टूट गए और जो लोग घर के अंदर मौजूद थे वो लोग बुरी तरीके से जख्मी भी हुए। आप देखेंगे ये 3 लोग हैं जो कि 2 घर छोड़ करके रहते थे, उन लोगों को चोट लगी हुई है बाकायदा। आप देखेंगे ये आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी आप 2 घर छोड़ करके रहते हैं, हुआ क्या था रात 11:30? रात को 11:30 बजे जैसे हम सोने जा रहे थे एकदम से ब्लास्ट हुए ने शुरू हो गए, एक के बाद 6-7 गैस के सिलेंडर फटे। बाजू में जो बॉबी केयर है उसमें इलीगल रिफिलिंग का बिग सिलेंडर टू स्मॉल सिलेंडर में कन्वर्ट करते थे ये लोग, हमने इनकी काफी शिकायत करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात को भी यही काम हो रहा था, वो सिलेंडर गैस के फटे एक के बाद एक, आग का भयंकर रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे के बाद में आई है, पुलिस 1/2 घंटे बाद आई है। आपको ये चोट लगी आप दिखाना चाहेंगे, देखिए चोट लगी हुई, चोट कैसे लगी आप? ये रात को जैसे बॉम्बार्डमेंट हुआ, गैस भर गई हमारे मकान में, हम दरवाजा खोल के बाहर निकलना चाहा तो हमारे ऊपर जो गेट शीशे लगे हुए थे वो टूट गए, मेरे यहाँ 3 इंजरी हुई है। 3 इंजरी लगी है आपको भी बेटा? कहाँ पे चोट लगी हुई है, ये हाथ में किस तरीके से चोट लगी? जब हम बाहर जा रहे थे तो एकदम से फिर से ब्लास्ट हुआ और कांच गिर के हम तीनों के ऊपर आ गया था, मेरे दादू के और भैया के ऊपर आ गया था कांच। अच्छा, ये आपको ये देखिए चोट लगी है, इनके भी हाथ में कांच लगा है जो कि ये शीशे टूट करके घर के अंदर के कई ऐसे शीशे हैं आप देखेंगे खिड़की के ऊपर के, गेट के ऊपर के, ये तमाम शीशे जब टूटे तो ये शीशे इन लोगों के ऊपर गिरे। आपके आपके कहाँ पर चोट लगी हुई है दिखाइए?
पाँव में लगी है, ये किस तरीके से लगी? ऊपर से कांच का टुकड़ा गिरा और लग गया पाँव में, कांच का टुकड़ा गिरा और लग गया। तो जब आग लगी तो फिर आप लोग बाहर की तरफ भागे, धमाके हो रहे थे? हाँ जी, हम बाहर आ गए, बाहर पब्लिक काफी थी, सब चिल्ला रहे थे बाहर निकलो, मकान से बाहर निकलो। हम लोग और बरबर में जैन साहब रहते हैं, सब एकदम से बाहर निकले। बस तो बहुत डर का माहौल होगा कि सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे। हाँ जी, आपके सामने फिर बाहर आने के बाद भी सिलेंडर धमाके हो रहे थे? आग, हाँ, उसके बाद भी फटे हैं, 6-7 सिलेंडर फटे हैं। आप लोग दूर चले गए थे? हाँ, थोड़ा दूर हो गए मकान से। बस तो सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जो रिहायशी लोग थे, जो लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उनसे बात कर रहे थे। पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ शालिनी भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले पुनीत, मैं आपके पास आ रही हूं। अस्पताल के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन इस मामले में जब आप स्थानीय निवासियों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कुछ इलीगल सिलेंडर्स का कारोबार भी होता है, और क्या अब तक जानकारी अस्पताल के मालिक के लिए सामने आ गई? क्या जयपुर भागने की खबर है? बिल्कुल, देखिए, अस्पताल के मालिक नवीन के खिलाफ 336, 304 ए और 34 के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, और सूत्र बता रहे हैं कि नवीन की लोकेशन वो जयपुर में मिली, और इसीलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम अब जयपुर जा रही है। और रही बात यहां पर अवैध सिलेंडर की, जो कि इस हादसे का वजह हो सकती है, वो आपके सामने दिखाई देंगे। 5 से ज्यादा सिलेंडर ये फटे थे, और बताया जा रहा है कि ये ग्राउंड फ्लोर पर सिलेंडर रिफिलिंग का काम चलता था, ये ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल होता था। सवाल ये उठ रहा है, जब ये फर्स्ट फ्लोर पर आप देखेंगे जहां पर ये न्यूबॉर्न बच्चों को रखा जाता था, जब वो ऊपर रहते हैं तो आखिर नीचे कैसे सिलेंडर रिफिल का काम हो सकता है? इसके अलावा नीचे अभी भी करीब 50 से ज्यादा जो सिलेंडर है ऑक्सीजन के, वो नजर आएंगे। एक अस्पताल जो कि छोटा सा अस्पताल है, 120 गज में बना हुआ अस्पताल है, जिसमें 12 बच्चे होते हैं, आखिर उसमें 100 से ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडरों का क्या काम होगा? यह अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जो कि इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, जो कि स्थानीय निवासी अड़ोसी पड़ोसी जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल का काम चलता था। तो तस्दीक हो रही है, आप सोचिए कि जिस वक्त यह हादसा हुआ होगा, बच्चे जो कि 8 दिन 10 दिन 5 दिन के थे, वो अस्पताल में थे, और ये इस तरीके से जो सिलेंडर थे वो फट रहे थे, और पूरी जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी हुई थी। बिल्डिंग की जो कंडीशन इस वक्त बता रही है कि आग कितनी भयावह रही होगी। सीढ़ियां आपको दिखाना चाहेंगे, ये सीढ़ियां मौत की सीढ़ियां साबित हुई हैं, क्योंकि ये अंदर तक बिल्डिंग में जाने की एकमात्र सीढ़ी है, जो कि काफी सक्रिय है, लोहे की सीढ़ी है और घुमावदार सीढ़ी है। किसी भी बिल्डिंग में, खासतौर से जो कॉमर्शियल बिल्डिंग या अस्पताल होते हैं, उनमें इस तरीके की सीढ़ी नहीं होती है, और कम से कम 2 एग्जिट पॉइंट होते हैं, फायर की पूरी व्यवस्था होती है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया, और बताया जा रहा है कि फायर की NOC भी बिल्डिंग को नहीं मिली हुई थी। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लोकल पुलिस, जिसको जानकारी थी कि यहां पर ऑक्सीजन का सिलेंडर को रिफिल किया जा रहा है, लेकिन वो ये अवैध काम होने दे रही थी, MCD जिसने इस तरीके की सीढ़ी होने के बावजूद बिल्डिंग के नक्शे को पास किया, फायर की टीम जिसके बिना NOC के, बड़ी लापरवाही सामने आई है अस्पताल के खिलाफ, की बड़ी लापरवाही का मामला, मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। पुनीत, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हमें पहुंचा रहे थे, वो जगह भी दिखा रहे थे जहां पर ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, हमने वीडियो में ये तक सुना कि लोग जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे, वो ये कह रहे थे 5 से 7 सिलेंडर और हैं जो ब्लास्ट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन माता पिता अभिभावकों की परेशानी समझी जा सकती है। बच्चों के रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ प्रशासन कह रहा है? देखिए, सबसे पहले रेस्क्यू कैसे किया गया, उस तस्वीर को देखिए। यहाँ से पुनीत ने आपको आगे का हिस्सा दिखाया, मैं आपको पीछे का हिस्सा दिखा रही हूँ, बेबी केयर सेंटर का। देखिए ऊपर की तरफ का कैसे शीशा तोड़ा गया, ऊपर देखिए, आपको यहाँ से सीढ़ी लगाकर लोग यहाँ पर पहुँचे, जो आसपास रहते उन्होंने बच्चों को निकाला। और यहाँ पर मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर बच्चे जहाँ पर एडमिट थे, मैं उसके अंदर जाती हूँ। ये ICU है, और ICU की देखिए कितना छोटा सा, क्या 120 गज की बिल्डिंग, और क्या क्या स्थिति है बिल्डिंग की, वो मैं अंदर के दिखा रही हूं। तो ये देखिए कितना, ये जो यूनिट है वो देखिए कैसे लगी हुई है, ये केयर यूनिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, यहाँ पर इनक्यूबेटर्स रखे हुए हैं, और वहाँ यहाँ पर बच्चों को रखा जाता था। तो वो देखिए तस्वीर, कैसे मासूम यहाँ पर रहते होंगे, इलाज के लिए लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिट किया होगा, लेकिन यहाँ पर, यहाँ जो पहुँचे हैं, यहाँ अब बच्चों की सांसें अब नहीं हैं, बच्चों के वो घरों के चिराग बुझ चुके हैं, 6 बच्चे हैं, ये सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, और सारा सामान देखिए यहाँ पर, ये लैब का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें, दवाई जो है वो पड़ी हुई है, बाकी सब मैं आपको तस्वीर में जो दिखा रही हूँ, अंदर जाकर भी दिखाती हूँ कि क्या क्या स्थिति है। ये देखिए बच्चों का जो
जो मिल्क पाउडर है वो रखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर। मैं अंदर जाती हूँ, दिखाती हूँ कितना सकरा ये रास्ता है, वो देखिए ये भी शीशा तोड़ा गया है। इतने से सोचिए कैसे लोग बाहर आए होंगे, इतनी सी जगह में तो मुश्किल ही है बिल्कुल बाहर आना। शायद मैं अगर अंदर होती हूँ और यहाँ से अगर मैं जल्दी से भाग कर यहाँ जाती हूँ तो भी शायद निकल नहीं पाऊँगी, दो लोग एक साथ नहीं निकल सकते। और जब ऐसी आग लग जाए तो यहाँ से कैसे निकले होंगे लोग, और इस आगे की तरफ को उधर ब्लास्ट हो रहा था, और इधर मैं पीछे की तरफ को जाकर सब दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, और सारा मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अंदर तक। ये एक सीढ़ी है पीछे की तरफ को, ये कितनी पतली सीढ़ी है, वो सीढ़ी देखिए कितनी पतली सीढ़ी। अगर मैं इस सीढ़ी पर खड़ी होती हूँ, उसके बाद जगह देखिएगा कितनी जगह है, इतनी पतली सीढ़ी में लोग कैसे ऊपर आएंगे, कैसे नीचे जाएंगे। और ऐसे जब भगदड़ मच जाए, जब आग लग जाए, ये इंटेंसिव केयर यूनिट है, ये कोई छोटा सा घर नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है छोटा सा, ये बेबी केयर यूनिट थी। यहाँ पर बेबी केयर सेंटर था ये, सोचिए यहाँ पर लोग को रखा जाता था बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज, दो दो दिन के बच्चे, तीन तीन दिन के बच्चे कैसे लोग लेकर भागे थे वो तस्वीर में देखिएगा। मैं आपको जाऊँगी और अंदर तक, ये देखिए हाल यहाँ पर, शायद यहाँ पर लॉकर्स रखे हुए हैं, सारे पेपर्स यहाँ पर रखे जाते होंगे। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लैब रही होगी, लैब का सारा सामान यहाँ पर है, ये स्टोर होगा, वो देखिए तस्वीर है। तो मैं आपको अंदर से एक एक चीज़ दिखा रही हूँ कि अंदर से ये बेबी केयर यूनिट जो है वो कैसी थी, वो अंदर देखिए। वहाँ से हम आपको बिल्कुल अंदर जाकर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जहाँ पर बच्चे एडमिट थे, वो जो आईसीयू जो है वो मैं दिखा रही हूँ वहाँ से। और उसके अलावा हम यहाँ से रास्ता दिखाते हैं, क्या क्या स्थिति है, कितना छोटा सा ये जो एंट्री जहाँ से लोग निकलते होंगे वो सोचिए एंट्री की क्या स्थिति है। शीशे तोड़े गए हैं, लोगों को निकाला गया है, सारा सामान कैसे बिखरा हुआ है, दवाइयाँ हों या ये देखिए ये सब कुछ है ना, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो वो सब कुछ बिखरा हुआ है, दवाइयाँ बिखरी हुई हैं, इक्विपमेंट्स बिखरे हुए हैं, ये देखिए दवाइयों का पूरा जखीरा किस तरह से, ये सारे शीशे भी तोड़े गए हैं, बच्चे यहाँ पर रहे होंगे। और देखिए क्या हालत है, सोचिए छोटे छोटे से न्यू बॉर्न बेबीज जिनको लोग अपने हाथ में, लोगों को डर लग रहा था, इतने छोटे बच्चे थे हाथ में लेते हुए लोग डर रहे थे, क्योंकि पाइप्स लगी हुई थी उनके, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत से बच्चे आईसीयू में थे, और उनको लोगों ने जल्दी से उनकी पाइप निकाल कर उनको एक हाथ में, दो दो तीन तीन बच्चों को हाथ में लेकर लोग बाहर निकले, तो यहाँ से रेस्क्यू किया गया। अगर ये लोग आसपास के लोग इतनी जल्दी से चढ़कर यहाँ से सीढ़ियाँ लगाकर रेस्क्यू नहीं करते, और अगर आग यहाँ तक पहुँच जाती तो सोचिए क्या होगा। वो छः सात बच्चे जो हैं, जो सुबह तक एक बच्चा क्रिटिकल था, वो उसकी भी खबर आ रही है कि वो भी अब नहीं रहा। वो सात चिराग जो हैं घरों के, वो इस आग में बुझ गए। जिन लोगों के कहेंगे कि यहाँ पर एडमिट कराया था कि बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं, बल्कि वो तो जिस तरह से पहुँचे वो शायद कहना भी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत अफसोसजनक है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो इस हॉस्पिटल के, इस बेबी केयर सेंटर के ओनर सबसे बड़े लापरवाह ज़रूर हैं, क्योंकि हमने तस्वीर में हम साफ साफ देख भी रहे हैं कि कितना बड़ा है। सोचिए इतना सा ये इसकी चौड़ाई है, इसमें बच्चे रखे जा रहे थे, वो भी साथ साथ 12 बच्चे, 14 बच्चे करीब रेस्क्यू जो किए गए थे उसमें से सात नहीं रहे, और पांच का अभी तक इलाज चल रहा है। तो 12 बच्चे यहाँ पर थे, और इतनी छोटी सी जगह, इतना पूरा स्टाफ और सब, कैसे ये चल रहा था। शालिनी, आप लापरवाही की ये जो कि तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह बे इंतहा लापरवाही हुई है, शालिनी बता रही हैं, जो बेबी केयर सेंटर का पीछे का हिस्सा है वो वहाँ से लोग भागे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन एक खुलासा भी शालिनी हुआ है टीवी 9 पर, दिल्ली चीफ फायर अफसर का खुलासा हुआ है, आग लगी तो सभी अस्पताल कर्मी निकल गए थे, ये कहा गया उनकी तरफ से। रेस्क्यू के वक्त अस्पताल में कोई नहीं था, नवजात बच्चों को निकालने में परेशानी हुई है। जो फायर ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे थे उनकी तरफ से कहा गया पास की छत से अस्पताल तक सीढ़ी डाली गई और फिर बच्चों की जान बचाई गई, लोगों की जान बचाई गई। क्या कुछ कहा उनकी तरफ से, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं पुनीत की। आखिर आग लगती कैसे है, क्या वजह है, क्या प्रिकॉशन है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग जी मौजूद हैं। अतुल सर, बहुत दुखद घटना हुई है दिल्ली के विवेक विहार में, पूरी घटना क्या थी सर, ये जिस तरीके से आग लगी, सात बच्चों की मौत। ये देखिए कल 11:30 बजे के आसपास, 11:32 एग्जैक्टली है, उस टाइम में हमें कॉल मिला कि बेबी केयर सेंटर विवेक विहार के आसपास इसमें आग लग गई है और इसमें ब्लास्ट हो रहे हैं।
हमने शुरू में 7 गाड़ियां भेजी थी और बाद में फिर नजाकत देखते हुए बताया कि अंदर बच्चे हैं, छोटे नवजात बच्चे हैं, तो टोटल करीब 14 गाड़ियां वहां भेजी गई थी। आग बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई बिकॉज उसमें ब्लास्ट हुए, टोटल 5 ब्लास्ट बता रहे हैं कि सिलेंडर फटे, ये प्रोबेबली ऑक्सीजन के सिलेंडर थे और इस वजह से पूरी बिल्डिंग फायर में हो गई। अगर आपने फोटोग्राफ देखे होंगे तो देखा होगा पूरी बिल्डिंग फायर में थी, क्योंकि छोटे बच्चे थे, वो खुद निकल नहीं सकते, तो हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग काम था। तो हमने 2 टीमें बनाई, एक टीम फायर फाइट करी और दूसरी टीम ने और वहाँ के लोगों की मदद से बच्चों को निकाला, क्योंकि दोनों काम हम इकट्ठे करने थे, वो बच्चे ना तो रो सकते थे ना अपने आप कोई एक्शन ले सकते थे, तो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। 12 बच्चों को हमने निकाल के रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेजा, अनफॉर्चुनेटली 6 की कली हो गई थी और एक बताया गया कि अभी 7 बच्चों की मौत हो गई है। बहुत दुख की बात है, हमारे इतने एफर्ट्स के बाद भी हम जो इन बच्चों को जो है सबको बचा नहीं पाए। ये आग क्योंकि ब्लास्ट हुए थे इस वजह से पूरी बिल्डिंग में फैली और एक बगल की बिल्डिंग में भी लगी, जो घर था उसके भी उसमें भी आग लग गई थी, उसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई। और जो ये कन्फाइंड आप कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल तक ही रही। सर एक सवाल ये है कि आप लोगों को फायर की खबर मिली वहां पर, आप लोग जब मौके पर पहुंचे, अस्पताल में तमाम स्टाफ कर्मचारी होते हैं, क्या वो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे अंदर, या वो लोग आग देखते ही बच्चों को छोड़ करके भाग गए थे और आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि जो कॉल आई थी कॉलर ने ही बताया था कि सर वहां ब्लास्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद निकल गए थे, क्योंकि सारे बच्चे हमें ही निकालने पड़े, ये लोग भाग गए होंगे बिकॉज पूरी बिल्डिंग फायर में हो गई थी। अस्पताल का कोई कर्मचारी आपको हमें एक्चुअली उस टाइम में जब हमने मैंने अपने ऑफिसर से बात की थी कि डिटेल लो कितने बच्चे, क्योंकि देखिए आग लगी 12 निकाले, पर क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे न्यू बॉर्न है। तो दिल्ली सर्विस फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी चुनौती थी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। बहरहाल कुछ इसी तरह की घटना दिल्ली की तरह गुजरात के राजकोट में भी दिखाई दी। राजकोट में बच्चों के गेमिंग जोन में आग लग गई जिसमें 28 मौतें हो चुकी है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, ये लापरवाही किसकी वजह से हुई? भीषण आग लग गई जहां गेमिंग जोन में फैली आग से 12 बच्चे समेत 28 लोगों की जान चली गई है इस बड़े हादसे में। और राजकोट अग्निकांड पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, अदालत ने ये कहा कि मानव निर्मित आपदा है। हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि राजकोट समेत कई नगर निगमों से जवाब मांगा है, हाईकोर्ट ने गेमिंग जोन में आग पर स्वतः संज्ञान लिया है। अब आपको इस हादसे की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कैसे आग विध्वंसक हो गई। देखते ही देखते पूरे गेमिंग जोन स्ट्रक्चर को इस आग ने जद में ले लिया। पहली तस्वीर देखिए, पूरा गेमिंग जोन स्ट्रक्चर धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर पर अगर आप नजर डालेंगे तो इसे देखकर लगता नहीं है कि कुछ भी बचा होगा यहाँ पर। तीसरी तस्वीर देखिए कैसे पूरा गेमिंग जोन जलकर खाक हो गया, ये भी बहुत भयानक घटना सामने आई है। 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कितनी विभत्स ये हादसा था। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बंगाल तट से आज टकराएगा चक्रवाती तूफान, तूफान के खतरे से कोलकाता की सभी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई है। कोलकाता में 21 घंटे के लिए उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो रेमल तूफान से सावधानी बढ़ती जा रही है, कोलकाता में 21 घंटे के लिए उड़ानें निलंबित है। एहतियातन बड़े कदम उठाए गए हैं क्योंकि जो वेदर रिपोर्ट है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। आइए आपको बताते हैं 4 तस्वीरें, 2 दिनों से रेड अलर्ट जारी हुआ है, 120 घंटे की रफ्तार से ये तूफान रेमल तूफान चलेगा जिसकी आशंका है। 21 घंटे के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एक बड़ा कदम उठाया गया एहतियात के तौर पर और विनाश से पहले ये ट्रेलर भी दिखाई दे रहा है। तो क्या रेमल आएगा तो कितना कहर बरपाएगा, जो तटीय इलाके हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।